गुरुदेव के द्वारा बनाई गई वो प्रतिभा स्थली। बंधु मुझे लगता है कि जहां आपके घर की 4 साल की बच्ची को सुबह 4:30 बजे उठा दिया जाता है और आप क्या बोलते हैं, अभी भी जब आप ये सुन रहे हैं आपका बच्चा बेडरूम में सो रहा होगा, 10th क्लास का 12th क्लास का 9th क्लास का 11th क्लास का IIT करने वाला बच्चा सो रहा है, आप यहां पे आकर के प्रवचन सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप गरीब के बच्चे थे, आपका बच्चा अमीर की औलाद है। अमीर की औलाद एसी में सो रही है और गरीब की औलाद जो थी यहां पे बैठ करके प्रवचन सुन रही है। ये प्रभाव और फर्क है आपकी जिंदगी का। यहां पर मां कहती है कि ये कैसे उन्नत कैसे होगा जीवन, बताओ आप। जो बच्चे अमीर की औलाद बनके एसी में अभी 9:30 बज गया और सो रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद करते हो क्या कभी ये धर्म की ध्वजा संभालेंगे? इनके लिए गुरुदेव ने जब 6 साल की 7 साल की 8 साल की बच्ची 4th क्लास में प्रतिभा स्थली में पढ़ती है, बंधुओं सुबह 4:30 बजे दीदियां उठा देती हैं आपकी बच्ची को, जिसको आप 10 बजे उठने नहीं देते, सो जाओ अभी ठंडी है, रजाई डाल देते हैं, और वहां पे दीदी बोलती 4:30 बज गया 5 बज गया उठो। और सुबह 4:30 से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ, भोजन, व्यवस्थाएं, संस्कार देकर के वो प्रतिभा स्थली की दीदियां, वो बहनें गुरुदेव के संकेत पर अपना पूरा जीवन लगा करके आपका घर बनाने में लगी हैं। और आज की ये लिटरेट महिलाएं और पुरुष क्या बोलते हैं, अरे वो प्रतिभा स्थली में इंग्लिश मीडियम नहीं है महाराज जी, लड़कियां पूरी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो तुम्हारे घर के अंदर रहने पर हो रही है, वहां तो आबाद हो जाएगी। और सोचो कि आपकी 4th क्लास की प्रतिभा स्थली में गई बच्ची 8 साल तक प्रतिभा स्थली में पढ़ ले, उसके बाद जब आप उस प्रतिभा स्थली को बच्ची आपके घर में लौट करके वापिस आए, जिसके पिछले 8 सालों में मेहनत सीखी, परिश्रम सीखा, क्रिएटिविटी सीखी, संस्कार सीखे, सभ्यता सीखी, संस्कार सीखा, गुरुओं के सामने झुकना सीखा, चौका लगाना सीखा, अच्छी चीजें बनाने सीखी, फिर विरासत में बाप की गद्दी मिले उसको, फिर बोले बेटा ये महल तुम्हारा है, ये BMW तुम्हारी है, फिर ये ऐसा है, तो इतने सारे भोग की सामग्री मिलने पर जो एक बार योगियों के संस्कार से संस्कारित हुई प्रतिभा स्थली में बेटियां रह करके आ गई, उन बेटियों में और जो आपके घर के अंदर एसी में सो रही हैं उन बेटियों में कितना अंतर होगा? होगा कि नहीं? उसके बाद भी मन तैयार नहीं होता है, नहीं कॉन्वेंट स्कूल अच्छा है, एसी में सोने वाली कंफर्टेबल है, घर भी कंफर्टेबल है और आजकल स्कूल भी कंफर्टेबल चाहिए। घर में बच्चा एसी में सो रहा है, बाथरूम में एसी लगा है, गाड़ी में बैठा तो कार में एसी है, स्कूल में गया तो स्कूल में एसी लगा है, एसी में रहा और ऐसी तैसी करा ली अपनी। और वहां पर प्रतिभा स्थली में जाकर के बच्चा सुबह 4:30 बजे से मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, कभी धूप में खड़ा है, कभी कोई काम कर रहा है, कभी हथकरघा चला रहा है, कभी खाना बना रहा है, कभी पढ़ रहा है, कभी मुनि महाराज जी को आहार दान दे रहा है, कभी बेटियां हैं माता जी की वैयाव्यक्ति कर रही है, कैसे की जाती है साड़ी, कैसे धोई जाती है, सेल्फ सर्विस कैसे की जाती है, छोटे बच्चों को सपोर्ट कैसे किया जाता है, कितनी सारी खूबियां एक साथ बहने एक दिन में रोज डालती हैं। अगर प्रतिदिन 365 दिन के डिवाइडेड बाई 10 × 10 और 365 दिन को 10 साल से गुणा कर दो, इतने सारे दिनों तक इतने सारी सभ्यता के संस्कार मिलने के बाद जब आपके घरों की बसीहत, आपके घरों का पैसा, प्रॉपर्टी, संस्कार के साथ साथ आपके घरों में मिलने वाली सुविधाएं मिलेंगी, आप कल्पना करिए वो माटी कैसी होगी और आपके घर के अंदर जो माटी है वो कैसी होगी। आप अपने घर के अंदर चिलम तैयार कर रहे हैं बंधुओं, ध्यान रखिएगा, वो भी मिट्टी की होती है। चिलम को देखा है? मिट्टी की होती है, उसमें तंबाकू भर दो, ऊपर एक अंगारा रख दो, खींचो तो चिलम क्या करती है, चिलम का भविष्य क्या है, चिलम का है काम क्या है, खुद जलना औरों को जलाना। आप अपने घर के अंदर अपनी बच्ची को पढ़ा करके अपने लिए एक चिलम तैयार कर रहे हैं, 18 साल की उम्र में जब किसी नीच कुल के लड़के के साथ भागेगी आपको बहुत अफसोस होगा कि ये चिलम ने मेरा मुंह भी जला दिया और मेरा पूरा संसार भी बर्बाद कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर की मिट्टी चिलम न बनके कलश बने, तो कहीं पर भी आपकी बच्ची है, किसी भी समाज की है, लेकिन अगर वो माता पिता है और उसकी बच्ची है तो उसका पहला कर्तव्य है कि उसको उठाए, वहां से हटे, बोले मुझे अपने घर के अंदर अपनी बच्ची का चिलम नहीं बनाना है, मुझे कलश बनाना है, तो मुझे प्रतिभा स्थली में इसको एडमिशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो चिलम तो बनी चुकी है। और चिलम बनने में टाइम कितना लगता है, कलश बनने में टाइम लगता है बंधु,
चिलम तो इतनी सी होती है, फटाफट बनती है, फटाफट फूकी जाती है, फटाफट फेंक भी दी जाती है। ऐसी स्टाइल हो गई है, इससे हम बचने का प्रयास करें।